नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने एक काफ़ी एक शानदार स्टॉक लेकर आया हूँ और ये जो स्टॉक है वे अपने 52 वीक के हाई से इसके अंदर 45% का करेक्शन हो चुका है, यानी 40 से 45% का करेक्शन हो चुका है। और जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल को एनालिसिस किया जाएगा, कंपनी का क्या पॉजिटिव न्यूज है, क्या नेगेटिव न्यूज है, कंपनी करती क्या है, तो ये सारा का सारा हम अच्छे से इसको एनालिसिस किया जाएगा। और एनालिसिस करने के बाद हमें इसमें देखना है कि इस शेयर्स को अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, जो कंपनी का जो नाम है वे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड है। आपने शायद से इस कंपनी के बारे में सुना होगा, एक तरह से ये म्यूचुअल फंड की कंपनी हम बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है वे करती क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज ऑफर करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है और ये रियल एस्टेट में भी ऑफरिंग करती है। यानी इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे काफ़ी अच्छा है। ये म्यूचुअल फंड में भी अपना ट्रेड करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को भी संभालती है और रियल एस्टेट का भी ये ऑफरिंग करती है और ऑफशोर का भी बिजनेस करती है। यानी ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है वे 4 से 5 बिजनेस है। तो और देखिए, जो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे काफ़ी ज़्यादा शानदार है और आपने आदित्य बिरला के बारे में सुना है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप में जो ये कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड वे अपने आप में शानदार कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी को हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 12,000 करोड़ के आसपास है। यानी जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 11,959 करोड़ है, तो आप 12,000 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 17.8 है। यानी जो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे आपको चीप लेवल पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 44.8% का रिटर्न है। अभी इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 415 रुपया है और इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 76.30 रुपीज़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 34% का रिटर्न है। 52 वीक की अगर मैं हाई की बात करूं तो 723 रुपया है और 52 वीक की अगर मैं लो की बात करूं तो 410 रुपया है। और जो कंपनी आपको थोड़ा डिविडेंड देती है और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपीज़ है। देखिए, मैंने इस कंपनी के ऊपर लगातार मैं वॉच आउट कर रहा था और जैसे ही सही लेवल मिलता है तो मैं आपके सामने ये वीडियो बना देता हूँ और आप यहाँ से आप उसमें बाई की खरीदारी कर सकते हैं। बट खरीदारी करने से पहले आप भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी बेटर होगा। तो देखिए, जो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज है वे क्या है और नेगेटिव न्यूज क्या है। तो देखिए, जो कंपनी है वे ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। यानी जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है एक तरह से। मैं लास्ट के 3 साल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 3 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे 36% का रिटर्न है। जो कंपनी का जो डिविडेंड है वे एक हेल्दी डिविडेंड है 47.73% का। यानी जो कंपनी है वे थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड बांटती है। और देखिए, जो कंपनी का जो एक नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे लास्ट के 5 साल में देखा जाए तो थोड़ा सा पुअर है। तो घबराना नहीं है, यानी इस कंपनी के अंदर आपको सारा का सारा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे थोड़ा सा कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये पता है कि जो हमारा जो मार्केट है वे कोरोना में कितना ज़्यादा क्रैश कर गया था, फिर वहाँ से उठा और अभी का जो मार्केट है पता ही नहीं चलता है कब उठेगा कब गिरेगा। तो जो कंपनी के जो बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स है चाहे ऑपरेटर्स है तो इन्होंने शेयर को बेचते बेचते 415 रुपया पे लाकर पटक दिया है। और देखिए, मैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ
तो देखिए जून 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 257 करोड़ का था, इसका अदर इनकम 4 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 97 करोड़ का है। सितंबर 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 255 करोड़ का था और इसका जो अदर इनकम था 36 करोड़ का था, यानी कंपनी का जो अदर इनकम है कितना है, 36 करोड़ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 125 करोड़ है। दिसंबर 2020 में जो कंपनी का जो नेट सेल्स था वे 280 करोड़ का था और यहाँ पर ये जो अदर इनकम आ रहा है वे 43 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 147 करोड़ का है। मार्च 2021 में 315 करोड़ का सेल्स है और इसका जो अदर इनकम है वे 17 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 157 करोड़ का है। जून 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 303 करोड़ का था और यहाँ पर इसका जो अदर इनकम है वे 33 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 155 करोड़ का है। सितंबर 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 332 करोड़ का है और यहाँ पर इस कंपनी का जो अदर इनकम है वे 40 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 173 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 334 करोड़ का है और यहाँ पर इसका जो अदर इनकम है 19 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 186 करोड़ का है। मार्च 2022 में यानी कंपनी का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो यहाँ पर जो कंपनी का जो सेल्स है वे 324 करोड़ का है और यहाँ पर इसका जो अदर इनकम है 24 करोड़ का अदर इनकम है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 159 करोड़ का है। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं तो थोड़ा सा मुझे अपसेट करता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो थोड़ा बहुत देखिए ऊपर नीचे तो होते ही रहता है आपके लाइफ में भी, तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में भी थोड़ा तो बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। मतलब देखिए दिसंबर 2021 में 186 करोड़ का है और मार्च 2020 में 159 करोड़ का, कोई बात नहीं, कंपनी अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो आपको भी पता है कि जो फ्यूचर में ये कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करने वाली है, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब मैं चलिए मैं ईयरली बेसिस की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कंपनी को अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूँ तो 2017 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 1013 करोड़ का सेल्स था और इसका जो अदर इनकम था वे 1 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 223 करोड़ का है। 2018 में देखा जाए तो 1324 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 349 करोड़ का है। 2019 में 1407 करोड़ का सेल्स है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वे 447 करोड़ का है। मार्च 2020 में देखा जाए तो 1235 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 494 करोड़ का है। 2021 में देखा जाए तो 1202 करोड़ का सेल्स है, यानी जो कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला है, बट इसका जो नेट प्रॉफिट है वे तो जबरदस्त है और कितना है, 526 करोड़। 2022 में तो कंपनी का जो सेल्स है वे 1293 करोड़ है, बट इसके जो नेट प्रॉफिट है वे 673 करोड़ है। यानी कंपनी देखिए भले ही क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा आपको अपसेट की हो, बट ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है वे बहुत ही शानदार रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हमें नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में देखिए जो कंपनी है वे बहुत ही एक शानदार कंपनी है। देखिए कंपनी का चाहे वे सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो थोड़ा सा वे डाउन है, आपको ही पता है सेल्स तो डाउन है थोड़ा सा, बट इसका जो नेट प्रॉफिट है वे जबरदस्त है। कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो पिछले साल देखिए 34% का था, यानी मैं 2021 की बात कर रहा हूँ तो पिछले साल इस कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था वे 34% का रिटर्न दिया था, बट शानदार रिटर्न था। और देखिए जो कंपनी का 2017 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 924 करोड़ का था,
2018 में 1120 करोड़ का हो गया, 2019 में 1203 करोड़ का था रिजर्व, 2020 में 1299 करोड़ का सॉरी 1299 करोड़ का रिजर्व्स था, 2021 में 1687 करोड़ का रिजर्व है और 2022 में इस कंपनी का जो रिजर्व है वे 2052 करोड़ का रिजर्व है। और देखिए इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बहुत ही कम कर्जा, 54 करोड़ इस कंपनी के लिए कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि आसानी से पेमेंट कर सकती है, तो इस कंपनी के ऊपर एक तरह समझिए कि बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी का रिजर्व आप देखिए 2052 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा कितना है 54 करोड़ का है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी आसानी से चुका सकती है। तो मेरी तरफ से जो कंपनी है बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो देखिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 86.50% का स्टेक है, जो FIs है उनके पास 1.21% का स्टेक है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वे 5.36% का है स्टेक और जो पब्लिक है उनके पास 6.93% का स्टेक है। देखिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे 2021 में इनके पास जो देखिए 2021 में 4.95% स्टेक था और जैसे ही कंपनी गिरा तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने इस शेयर को उठा लिया और इंक्रीज करके 5.36% कर दिया और पब्लिक के पास 7% है लगभग। तो और कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनके पास 86.5% का स्टेक है। तो देखिए आपको भी पता है कि जो ये कंपनी है आदित्य बिरला सनलाइफ AMC लिमिटेड, तो देखिए कंपनी का एक समय होता है कि कंपनी ने आपको 723 रुपया का हाई बनाया, तो ये जो शेयर था वे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी के अंदर हमें करेक्शंस होता हुआ नज़र देखने को मिलेगा। तो आपको इससे घबराना नहीं है और हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, मुझे लगता है कि किसी ने 600 रुपये के लेवल पर ख़रीदा होगा, 700 रुपये के लेवल पर ख़रीदा होगा, तो आप घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। तो जैसे ही मार्केट में करेक्शंस जितना देखिए इसको करेक्शंस होना था वे हो चुका है, बट हमारे आसपास में बहुत सारा एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो इस नेगेटिव न्यूज़ को ध्यान में देखते हुए तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें और ये जो शेयर है वे ऊपर जाता हुआ नज़र दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर जितना करेक्शंस होना था वे 40-45% का करेक्शंस हो चुका है, तो अपने आप में काफ़ी अच्छा बात है। और देखिए अगर मैं वन डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 0.18% अप है, 5 डे की बात करूं तो 0.19% अप है, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 14% डाउन है, 6 महीने की बात करूं तो 30% डाउन है, ईयर टू डेट की बात करूं तो 22% डाउन है, 1 साल की बात करूं तो 41% डाउन है, 5 साल की बात करूं तो 41% डाउन है और ऑल टाइम की बात करूं तो 41% डाउन है। और देखिए मार्केट के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर करेक्शंस हो सकता है, तो आप यहां से थोड़ा सा आप इसके अंदर वॉच आउट कीजिए, नहीं तो आप यहां से भी इस कंपनी का जो शेयर है आप यहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, आप इस कंपनी का जो बाई रेंज है वे 400 रुपया से नीचे पे भी खरीद सकते हैं। तो देखिए आप इस कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच कीजिए और मुझे लगता है कि जो प्राइस है वे काफ़ी आपको सही प्राइस पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से इस कंपनी का जो शेयर्स है वे उठा सकते हैं और आने वाले दिन में ये जो कंपनी है वे आपका जो पैसा है वे डबल करके देगी और जो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वे एक अलग से मिलेगा। और जैसे इसके अंदर अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा। और जैसे ही जाता है 700-800 रुपये के लेवल पे तो आप वहाँ से बेचकर निकल जाइएगा। ठीक है, बेचकर निकल जाइएगा, हो सकता है कि वहाँ पर फिर से जाने के बाद हमें वहाँ पर करेक्शंस होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है ना, तो आप इस कंपनी के अंदर बने रहिए और इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और अपने सही प्राइस पे आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।